बंद हुआ कहाँ, और बृहत पैमाने पर सरकार के द्वारा जो बंदी का दिया जा रहा है, बृहत पैमाने पर शराब की बिक्री हो रही है, शराब को कुटीर उद्योग का रूप का दर्जा दे दिया गया है, सभी जगह हमारे गरीब लोग तबाह हो रहे हैं, वो पीते हैं और वो मरते हैं, उसका आँख चौपट हो रहा है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये गंभीर सवाल है। हम इन तमाम महिलाओं से कहना चाहते हैं, जिला सम्मेलन के मौके पर, बेतिया जिला सम्मेलन के मौके पर, आप लोग बीड़ा उठाइए, इस राज्य की सरकार से नशाबंदी नहीं हुआ है, आप लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर घर की महिला जाग जाएगी, गांव की महिला जाग जाएगी, इस अंचल की महिला जाग जाएगी, बेतिया जिला की महिला जब जाग जाएगी, तो शराबबंदी निश्चित रूप से होगा। लेकिन सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं, खास करके ये तमाम लोग इसमें संलिप्त हैं, इसलिए शराबबंदी बिहार में नहीं हो रहा है। ये काफ़ी गंभीर सवाल है। हमारे नौजवान लोग मर रहे हैं, वो जहरीली शराब से उसका आँख चौपट हो रहा है, सिवान के अंदर मृत्यु हुई है। सरकार गंभीर है, लेकिन बंदी के खिलाफ गंभीर नहीं है। इनके पदाधिकारी उसमें संलिप्त हैं, मोटा रकम वसूल रहे हैं। जो बड़े व्यापारी हैं शराब के, उनको नहीं पकड़ा जाता है, उनको छूट दिया जाता है, वे राशि वसूल करके मोटा हो गए। लेकिन हमारे गांव के गरीब जो शराब पीते हैं, नशा में झूलते हैं, उनको पकड़ करके जेल के अंदर बंद करते हैं। बड़े व्यापारी को आज तक कार्रवाई नहीं हुआ है।